इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक तरफ आपने देखा कि नई एंट्री हुई है अजय भट्ट की, तो दूसरी तरफ कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनको नई जिम्मेदारी मिली, यानी कि मंत्री तो पहले से हैं लेकिन उनके विभाग बदल दिए गए। ऐसे एक मंत्री आपकी बात करते हैं प्रहलाद सिंह पटेल की, जिन्हें अब भार मिला है जल शक्ति और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि घर तक पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना अब लक्ष्य है। प्रहलाद सिंह पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सर, आपसे सवाल पहला यही है कि किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को आगे ले जाने वाले हैं, क्या कुछ चुनौतियां आप सामने देखें? मुझे लगता है मैं जल शक्ति मंत्रालय से होकर आया हूं और हर घर तक पानी पहुंचाना लक्ष्य ही, और समय के पहले हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा है कि सैनिटाइजेशन के जो भी है जो चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन उनको भी समय के पहले पूरा करना, ये देश के लिए भी जरूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा लक्षित कार्यक्रम है, और इसलिए मुझे लगता है उसमें काम करने का सौभाग्य मिला है। जो मेरे जीवन के अनुभव हैं स्टैंडिंग कमेटी के या संसदीय जीवन के, उनका उपयोग करके हम समय के पहले लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे तो मैं मानता हूं कि मैं देश की सेवा कर पाऊंगा। सर, दो मंत्रालय आपको सौंपे गए हैं, फूड प्रोसेसिंग भी आप संभालने वाले हैं, क्या इसे आप एक नए चुनौती के तौर पर देखते हैं कि दो मंत्रालय संभालना क्या इतना सहज होगा? नहीं, ये तो फैसला आप लोगों को करना है, मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो जिम्मेदारी मिली है उसमें खरा उतरना, मूल्यांकन करना व्यक्ति का काम नहीं है जी, आप लोगों का काम है, बड़े लोगों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और जेडीयू कोटे से स्टील मिनिस्टर आरसीपी सिंह ने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। क्या कहा उन्होंने कामकाज संभालने के बाद, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।